हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू। सो आज हम आपको बताएंगे पतंग कविता के सरलार्थ की व्याख्या के बारे में। और ये हमारी आलोक धनवा जो कवि हैं उनके द्वारा लिखित है। और आप सभी जानते हैं कि किताब जो है वो आरोह भाग दो से लिया गया है। और ये जिस कविता से ली गई है उस कविता में दुनिया रोज बनती है, वहाँ से ही एक काव्य संग्रह लिया गया है जिसके बारे में आज बताया गया है। इसके अंदर बताया गया है तीसरा पैराग्राफ है। देखिए तीसरा पैराग्राफ जो दिया हुआ है उसमें बताया गया है, अगर वे कभी गिरते तो इसके बाद यहां पर आ जाएगा पैरों के पास। ये सरलार्थ है। ये क्या है? सरलार्थ है। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको बताया था कि सह प्रसंग पहले लिखेंगे हम। सह प्रसंग में क्या करेंगे? प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग दो में संकलित कविता पतंग से अवतरित है इसके कवि। एकमात्र काव्य संग्रह दुनिया रोज बनती है मिल इसमें बच्चों के पतंग जो उड़ाने का जो पर्व है उसके बारे में वर्णन किया गया है। इसमें कवि ने बच्चों की पतंग उड़ाने का सजीव हुए मनोहारी वर्णन किया। इसके बारे में इसमें प्रश्न के अंदर तो ये दिया हुआ है। अब हम इसकी लेंगे व्याख्या। देखिए व्याख्या के अंदर क्या दिया हुआ है, इसमें बताया गया है, अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं तब तो वे और भी निडर होकर सुनहरे सूरज के सामने आते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। तो यहाँ पर व्याख्या के अंदर बच्चे पतंग
जाते समय कभी नहीं गिरते, परंतु दुर्भाग्य से गिरकर बच जाते हैं तो वे और अधिक निर्दय हो और अधिक निर्दय हो जाते हैं। अत्यधिक उत्साह के साथ वे सुनहले सूर्य के समान आकाशमान हो उठते हैं, ऐसा लगता है, ऐसे लगते हैं कि पृथ्वी को अपने पैरों से मापना चाहते हो, अपने पैरों से मापना चाहते हो, और वे दुगने उत्साह से भी दुगने उत्साह से वर्णन किया गया है। अब इसके बाद में ऐसा इसके बाद आता है विशेष कि इसमें क्या विशेष बातें हैं, उसके बारे में आप देखिए। ये हर व्याख्या के अंदर विशेष लिखना जरूरी है। तो सबसे पहले यहां पर कवि ने इसके बारे में किया है, कवि ने पतंग, उड़ाते हुए बच्चों के उत्साह का वर्णन किया है। नंबर दो में सरल सहज प्रभाव में भाषा है। तीन चार नंबर में है सवाल योजना, सरल भावना
इसके बारे में और भी आप लिख सकते हैं, जैसे दृश्य बिंब का प्रयोग किया गया है, मुक्त छंद का प्रयोग किया गया है। बाकी इसमें कम से कम आपको तीन या चार तो अपने विशेष जो है वो आपको बतानी, और इस प्रकार से जो है इसका सरलार्थ जो है उसकी व्याख्या मैंने आपको बताई है। देखिए इसमें तीन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, नंबर एक प्रसंग के अंदर आपने उसकी कविता का नाम, कवि का नाम बताना है, और बुक्स कौन सी है उसके बारे में बताना है, उसके बाद उसकी व्याख्या बतानी है, और विशेष के अंदर एक उसकी भाषा बतानी है, एक उस पैराग्राफ के अंदर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट किस पर जो है प्रयोग किया गया है, किसके बारे में बताया गया है वो उसका यानी शीर्षक की तरह उसको बताना है। फिर उसके बाद मुहावरे वगैरह है अगर आप बता सकते हैं, या फिर आप अलंकार वगैरह है उनके बारे में अगर बता सकते हैं तो वो उसके बारे में बताइए, और फिर उसकी शब्द योजना किस प्रकार की है, संदर्भ वगैरह या बिंब का प्रयोग किया गया है तो आप उसके बारे में भी बता सकते हैं। इसी के साथ ये व्याख्या खत्म होती है। थैंक यू वेरी मच।